ब्लॉग करते हुए कितना 10 क्या 12 12 दिन तो हो ही गए होंगे। थोड़े से तबीयत खराब और इधर-उधर होके मेरा ब्लॉगिंग रुक गया है इतने दिनों से। यार लाइफ चली गई है। है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्वेताज ब्लॉग्स में। और ना दो कि मैं गुड गर्ल बन चुकी हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ना हमारे घर में क्या है, गोभी का सब्जी बना था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं पराठे के साथ गुड़ ही खा रही हूँ। गुड़ के साथ पराठा अच्छा लगता है कभी कभी खाने के लिए। हाँ, थोड़ा मीठा मीठा लगता है पर चलेगा, वो अच्छा लगता है खाने के लिए। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर हो चुका है और खाना भी पीना भी हो चुका है। वो भैया भुवनेश्वर जा रहा है ना, तो उसके वजह से थोड़ा सा मेरा दिमाग ब्लॉगिंग से निकल गया था। मैं ब्लॉग कर रही हूँ बोल के मैं भूल ही गई थी। तो अभी भैया को हम छोड़ने जाएंगे, वो भुवनेश्वर जा रहा है, तो चलिए आपको भी हम तो चलिए पूछते हैं भैया को कितना एक्साइटमेंट है भुवनेश्वर जाने का, क्योंकि वो इतना तो दिखाई नहीं दे रहा है उसका एक्साइटमेंट। पड़ा हुआ है, अभी भी सोया हुआ है वो। तो चलिए, अभी उसका बस कितना 4 बजे है, कितना बजे एक है, तो अभी वो देख रहा है। देखिए ए, तुझे कितना एक्साइटमेंट है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, भुवनेश्वर जा रहा हूँ, बहुत दूर है अभी, फ्लाइट है मेरा। ये क्या है, फ्लाइट है? छत्रपुर से फ्लाइट है मेरा अभी, और 2 दिन का फ्लाइट है। सिडनी में उतर के फिर भुवनेश्वर उधर से कैब लेकर जाऊंगा। ये क्या हो गया है मेरे भैया को पता नहीं, वो इतना एक्साइटेड है कि उसको बस भी फ्लाइट लगने लगा है। अब तो क्या ही बोलूं, और उसका जाने का एक्साइटमेंट जीरो लेवल में। उसको सिर्फ कुछ काम है उसके कॉलेज का, तो वो जा रहा है। तो ठीक है, 2 दिन में आ जाएगा बा, इतना कुछ नहीं है, 2 दिन में आ जाएगा, और सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा है। तो चलिए, तब तक हम ब्लॉगिंग कर लेते हैं। भैया तो जा रहा है अभी, और कितना मिनट बाकी है, कुछ 20-30 मिनट बाकी है। इधर पास में ही जाना है, इतना दूर भी नहीं जाना, मतलब थोड़ा सा दूर है, चल के जाने के डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। और कुछ इतना दूर नहीं है, तो थोड़ा सा टीवी देख दे रहे हैं, और आधा घंटा तो है, 15 मिनट पहले निकल जाएंगे तो बस पहुँच गई, हो जाएगा टाइम। तो ठीक है, आपको मिलते हैं जब हम जाते हैं भैया को छोड़ने। अभी हम जा रहे हैं भुवनेश्वर, और दुकान मुझे बस स्टैंड छोड़ने जा रही है, तो बहुत मेरे बहन के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और बहुत कुछ करने का मन है भुवनेश्वर में, एंजॉयमेंट, लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा लॉकडाउन की वजह से, तो अभी देखते हैं क्या क्या मिलते हैं फिर वापस आने के बाद। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर 2 दिन बाद। सो है फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ भैया को छोड़ के, तो भैया कुछ 2-4 दिनों में आ जाएगा, तो फिर आपको दिखाएंगे ब्लॉग में। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि मेरे वीडियोस कब कब आएंगे। तो मैंने सोचा है कि वीक में 3 दिन मेरे वीडियोस आएंगे अल्टरनेटिव डेज में। वो अब तो पता नहीं कि शायद से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आएंगे, या फिर ट्यूसडे थर्सडे, मतलब सोच लो कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। तो अभी फुल्ली डिसाइडेड नहीं है, बट अल्टरनेटिव डेज मेरे कुछ भी हो जाए, मेरे 3 वीडियोस हफ्ते में आएंगे ही आपके लिए। और यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं 40 डेज का चैलेंज लूंगी वेट लॉस के लिए, क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओवरवेट होने के वजह से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होती हैं, वो मुझे भी थोड़ी सी हो रही है, तो मुझे वेट लॉस करना अभी जरूरी हो गया है कि हाँ करना ही है। तो इस वजह से मैं 40 डेज का चैलेंज ले रही हूँ। मैंने कई बार ऐसे सोचा है कि स्टार्ट करते हैं, एक ही दिन हो पाता है मेरे से, तो इसलिए अभी ना सोचा है कि कुछ डेडिकेशन के साथ करना है, तो
इस वीडियो मैं सोच रही हूँ कि उसका वीडियो भी फिल्म करूँ, ताकि उससे मैं खुद मोटिवेट हूँ और आप मतलब जो भी वेट लॉस करना चाहते हो उनको भी मैं मोटिवेट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं ना रितुजा दिबाकर मैम का डाइट प्लान यानी उनको थोड़ा सा फॉलो कर रही हूँ। इनका वीडियो मैंने डायरेक्टली फुल्ली वीडियोस नहीं देखा है उनका, बस मैंने शिवानी दुग्गल दीदी जो है उनका वीडियोस देखा है और उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होके मैंने सोचा है कि अगर मैं भी वो डाइट प्लान करूँ, क्योंकि वो मैं मतलब एफोर्डेबल बोल सकते हैं या हम वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ओडिशा में मेरा स्टेपल फूड है चावल मतलब व्हाइट राइस, उससे मैं बदल के दिन भर रोटी खाना ना अभी सडन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैम का ये कहना है कि जो भी खाओ व्हाइट राइस आप खा सकते हो, व्हाइट राइस इनके प्लान में उनका ये कहना है कि व्हाइट राइस आप खा सकते हो, बस क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। आप जितना खाते थे अभी उसका, अगर आपको भूख लगे, आपको 6 मील लेना है दिन भर में, आपको अगर भूख लग रही है तो पहले उसका आधा खाओ। अभी आपको ना चावल खाना है, आप इतना खाते थे, अभी आपको थोड़ी सी क्वांटिटी कम करनी है तो पहले उसका आधा खाओ, जितनी भी क्वांटिटी है उसके आधा खाओ। तो उससे क्या होता है ना कि आधा खाने के बाद अगर आपको फिर भी और भूख लग रही है तो उस और जो आधा है उसका आधा खाओ, तो उससे आपकी पेट अगर भर जाता है तो अच्छी बात है ना कि आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। तो इस तरह से 6 मील लेना है आपको, घर का खाना, पूरा घर का खाना खाना है, बाहर का बिल्कुल नहीं। और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ मैं, तो इसीलिए ये चैलेंज लेने का सोचा है मैंने। तो ये मैंने दीदी से थोड़ा सा इंस्पायर होके शुरू किया है, तो देखते हैं मेरा ये 40 डेज का चैलेंज कहाँ तक जाता है, तो और क्या प्रोग्रेस होता है, क्या होता है, आपको ये भी पूरे वीडियोस में हमारे पता चलेंगे। मेरे जो आगे वीडियोस आने वाले हैं उसमें ब्लॉगिंग के साथ साथ ये वेट लॉस का भी जर्नी आपको मैं पूरा दिखाऊंगी। तो ये चलिए हम देखते हैं हमारा 40 डेज का चैलेंज कैसा जाता है, और ब्लॉग यहीं पे मैं खत्म करती नहीं हूँ, क्योंकि और मिलते हैं आपको डिनर के वक्त। बाय बाय। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है और यहाँ पे मम्मी प्राणायाम कर रही थी, अभी रुक गई है। ये देखो फिर से शुरू कर दी कैमरा घुमाते ही, और इधर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, और बारिश हुआ है तो थोड़ा अच्छा हवा चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा हवा खाने आ गए हैं ऊपर। तो जब अभी देख लीजिए कैसा अंधेरा है पूरी चारों ओर पूरा अंधेरा है। थोड़ा सा भी कहीं हमारे छत पे लाइट नहीं आता, इधर लाइट लगाए नहीं है, तो वो तो छोड़ो कहीं से भी लाइट नहीं आता है। और चंदा मामा तो है नहीं आज, चंदा मामा गोल गोल मम्मी की रोटी गोल गोल, ये गाना आपने ज़रूर नर्सरी में गाया होगा, सॉरी पोयम गाना थोड़ी है ये। तो ये अंधेरे से बाहर जाने के बाद हम नीचे ही आपसे मिलते हैं डिनर करते वक्त, तो चलिए। तो मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ डिनर अपना लेके, अभी कुछ 8 बज रहे हैं, पर थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो खा लेती हूँ। सुबह का चावल है और ये मछली है, तो यही आज का हमारा डिनर है, और इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।